दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। चोरों के लिए अगर मौजूदा समय में चोरी करने की कोई सुरक्षित जगह है तो वह है बैंक के एटीएम। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जलंधर कपूरथला मार्ग पर गांव इब्बन में स्थित स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की शाखा के बाहर लगे बैंक के एटीएम में, जिसको अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया और गैस कटर की सहायता से एटीएम को काट कर लगभग 3 लाख रुपए की राशि चोरी कर फरार हो गए। ये चोर काफी शातिर किस्म के थे क्योंकि उन्होंने बैंक के इस एटीएम को लूटा, जिसको बैंक के अधिकारी साय के वक्त बैंक की शाखा बंद होने पर ही बंद कर देते थे, जिसका मुख्य कारण बैंक और एटीएम दोनों में ही किसी स्थायी सिक्योरिटी गार्ड का ना होना था, जिसका फायदा चोरों ने उठाया और देर रात लगभग 3 बजे गैस कटर से एटीएम पर लगे लोहे के शटर के तालों को काट कर एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर दिया और एटीएम को काट कर 3 लाख रुपए की राशि चुरा कर फरार हो गए। वहीं इस मौके पर पहुंचे डीएसपी कपूरथला महेंद्र सिंह ने बैंक अधिकारियों के बयानों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं रमेश खट्टर, ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला इब्बन। अज सवेरे 5 बजे सानू इतलाह मिली कि तुहाडे बैंक का एटीएम मशीन चों धुआं निकल रहा तो अग लग गई है। तो मैं उस वेले चौंकी इंचार्ज नूं फोन कर दिता, तो आप मौका वारदात ते पहुंचा। आके देखा गया तो एटीएम दी मशीन नूं कट के पिछों कैश दी कैसटां लै गए, जिहदे विच तकरीबन 2,03,2,700 रुपया सीगा। तो उच्च अधिकारियों को सूचना देती गई है भी ये बारे सारे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का एटीएम जिहड़ा इब्बन रोड के उत्ते स्थित है, उसके संबंध में जो सानू इतलाह मिली असीं मौके पर आए, मौके पर आके देखिया तो जिहड़ा उहदा एटीएम हैगा वह कटर के नाल जिहड़ा वह कटिया होया मिलिया, जिहदे मैनेजर साहब के दसण मुताबक उस 3,02,700 रुपया जिहड़ा सीगा, तो जिहड़ा वह अपने चोर जिहड़े आ लुट के लै गए। तो असीं मौके पर आके अपनी कार्रवाई शुरू की है।